योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। ना फूल के बंदे हैं, ना हाथ के बंदे हैं, जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। समझे कि नहीं समझे? ना फूल के बंदे हैं, ना हाथ के बंदे हैं, ना आपके बंदे हैं, ना हाथ के बंदे हैं, जो शाम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। चिंता मत करो, एक दिन आएगा जब मलेरकोटला भगवा भी गाकर जाएंगे, क्यों चिंता करते हैं। और दूसरी बात, कल पहली बार दिल्ली में यमुना जी कहते थे, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, लेकिन दिल्ली में यमुना जी का इतना बुरा हाल है कि कारी नहीं वो कीचड़ हो चुकी है। और कल से यमुना जी के उत्थान के लिए पहली बार दोपहर 3:30 बजे संत समाज आ रहे हैं, मंत्रालय आ रहा है, और ये कन्हैया मित्तल भी उस आरती में यमुना जी की आरती करने जा रहे हैं। लिखा मैंने दिल्ली में, दिल्ली को इंसाफ चाहिए, यमुना जी का पानी हमें साफ चाहिए, वो भी झाड़ू कैसी जो गंदगी साफ ना करे, वो भी झाड़ू कैसी जो इंसाफ ना करे। यमुना जी को दिल्ली का बस प्यार चाहिए, दिल्ली को दिल्ली में इंसाफ चाहिए। रानी है यमुना, महारानी है ये, देश के सबसे बड़े संत चिदानंद सरस्वती जी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, ये मेरा सौभाग्य है कि देश के जितने बड़े बड़े संत हैं, चाहे वो राम भद्राचार्य जी हो, चाहे चिदानंद सरस्वती जी हो, चाहे कैलाशानंद जी महाराज हो, इन सब का सीधा हाथ मेरे सिर पर रहता है साहब। इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कई लोग मेरे हाथ में पैसा देने की कोशिश करते हैं, उनको बुरा भी लगता है, मैं वापस कर देता हूं। वो इसीलिए करता हूं कि संतों का आदेश है, कन्हैया मंच पे पैसा नहीं, मंच के ऊपर आशीर्वाद लेना लोगों से, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा तुझे। और जिसके भी मन में आए मुझे 100-500 देने का, कल किसी गरीब को भोजन कराना मुझसे ज्यादा आपको आशीर्वाद देगा साहब, उतना मैं भी नहीं दे पाऊंगा आपको। इसलिए अपने सनातन को हमने ही संभालना है और किसी ने नहीं संभालना। आ जा भाई जरा। ये भगवा दो ही लोगों का है, या तो सिखों का है या हमारा है, तीसरा किसी का नहीं है। इसलिए पंजाब सजाया है, पंजाब सजाएंगे, पंजाब सजाया है, पंजाब सजाएंगे, पंजाब सजाया है, पंजाब सजाएंगे, पंजाब सजाया है, पंजाब सजाएंगे। मंदिर भी सजाया है, मंदिर भी सजाया है, गुरु घर भी सजाएंगे, मंदिर भी सजाया है, गुरु घर भी सजाएंगे, मंदिर भी सजाया है, गुरु घर भी सजाएंगे। वादा करते हो कि नहीं करते? दोनों हाथ उठाकर। पंजाब सजाया है, पंजाब सजाएंगे, पंजाब सजा। रोटी हम बनाएंगे मंदिर की और दाल, रोटी हम बनाएंगे दाल वहां से लाएंगे, रोटी हम बनाएंगे दाल वहां से लाएंगे, मंदिर भी सजाएंगे, गुरु घर भी सजाएंगे।
मंदिर भी सजाएंगे, गुरु घर भी सजाएंगे। नानक भी हमारे हैं, प्रभु राम हमारे हैं। नानक भी हमारे हैं, प्रभु राम हमारे हैं। सबसे एका रखना, सबसे एका रखना, यही काम हमारे है। सबसे एका रखना यही काम हमारे है, सबसे एका रखना यही काम हमारे है। एक बार गाना, ना फूल के बंदे है ना हाथ के बंदे है, ना फूल के बंदे हाथ के बंदे है। जो राम के बंदे है, जो राम के बंदे है, हम उनके बंदे है। इनसे भी क्षमा चाहूंगा बोलने के लिए, क्योंकि मैं चेला हूं उनका, और जिनका चेला हूं उनका नाम लिए बगैर रह नहीं सकता। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे। जब सिद्धू मूसेवाला जी का, अरे खड़े जाओ यार, जब सिद्धू मूसेवाले जी की बात हुई पंजाब में, तो मुझे योगी जी ने बुलाया, कन्हैया जी आप ठीक हैं? मैं बोला महाराज मैं तो ठीक हूं, लेकिन पंजाब में आपको याद किया जा रहा है। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। मेरा वादा है आपसे, एक दिन, एक दिन मुझसे पूछा उन्होंने क्या चाहिए, मैंने भी उन्हें कह दिया वक्त आएगा तब मांगूंगा, और मांगूंगा कुछ और नहीं। एक दिन उन्हें कहूंगा साहब एक बार पंजाब में आके इनको दर्शन देकर चले जाओ। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना सा कहूंगा समझ जाना। हमारे राष्ट्रपति कौन है अभी? श्री द्रौपदी मुर्मू जी। इनसे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। जब रामनाथ जी थे तो राम अयोध्या मंदिर का फैसला आया, अब द्रौपदी आई है मथुरा का फैसला। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम।